सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोस्तों हम लोग ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पीसी बिल्डिंग गेम। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये दोस्तों हमें शॉप मिली है अंकल की ओर से और इस शॉप के मालिक है अभी हम। तो अभी दोस्तों हमें पीसी बिल्ड करने के लिए और पीसी रिपेयर करने के लिए बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बाहर दो पीसी के पार्सल पड़े हुए हैं और ये दोस्तों फर्स्ट लेवल है इस गेम का और काफी कमाल की गेम है दोस्तों। इससे पहले मैंने ट्राई करा था तो मैंने सोचा कि गेम प्ले भी बना लेते हैं, शायद आपको पसंद आए। अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना। तो यह है दोस्तों पीसी बिल्डिंग की शॉप, जहां पर हम पीसी बिल्ड भी कर सकते हैं, पीसी रिपेयर भी करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस गेम प्ले को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक पीसी रिपेयर करा था जिसमें मैंने 500 GB HDD लगाए, तो उसके बदले में दोस्तों मुझे $330 मिले थे, वरना तो हमारे पास $5 थे। तो यहां पर भाई मेल बहुत सारे आते रहते हैं पीसी रिगार्डिंग कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। और यहां पर दोस्तों इस पीसी में जो वॉलपेपर लगा हुआ है वही वॉलपेपर पर हमारे पीसी में भी लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों ये जो गेम है वो हमारे पीसी का वॉलपेपर भी वही चुरा लेता है, यूज करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेल आया है, जोटेक G4 GTX 1050 Ti OC Edition, we have just added the following part our range। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा था, ये हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है 500 GB, जो मैंने कहा था कि इसमें ₹280 का लेबर हमें मिला, $50 का भाई उसने हमें वो दिया। तो यहाँ पर दोस्तों एक और पीसी आया हुआ है जिसमें दोस्तों क्लीन आउट डस्ट और वायरस निकालनी है, तो वो बाहर रखा हुआ है जो कि हम लोगों ने कह दिया था कि हाँ भेज दो, हम लोग क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर भाई कौन सा है, क्वीन ब्रिटिक हेलो स्कैन, ये हेलो वाला उठा लेते हैं। इसमें रिमूव वायरस एंड क्लीन डस्ट पीसी आउट बूट, चलो इसको उठा के रखते हैं अंदर। और भाई देखो इसके ऊपर डस्ट कितनी लगी हुई भाई साहब, ये बंदा अपने पीसी का कुछ ख्याल नहीं रखता। हमारे पीसी आके देखो डेली साफ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो डस्ट का काम करना पड़ेगा इसके लिए। प्रेस द इंस्टॉल बटन एंड द गेट कंप्रेसर एयर, हमें इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंप्रेसर एयर को लेना है। ओपन कैश एंड बी4, और ये समझ गया भाई। यहाँ पर देखिए नट बोल्ट इसकी साइड में लगे हुए हैं। चलो ये हो गया, अभी हम लोग अपना कंप्रेसर लेके आते हैं। ओ हो, चलो चलो प्रेस करते हैं, सारा का सारा पीसी साफ करते हैं। ओहो भाई, A few minutes later. तो यहाँ पर भाइयों क्लीन आउट डस्ट हो चुका है, अभी काम है वायरस रिमूव करने का। तो सबसे पहले भाइयों हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो चीजें हम लोगों ने निकाली है वो इंस्टॉल कर देते हैं, पीसी पार्ट जो भी हम लोगों ने अभी रिमूव करा है यहाँ से। तो ये रहा, स्क्रू भी लगा देते हैं इसके जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर भाई सारा काम तो हो चुका है, पीसी रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो वायर है इसको हमें इंस्टॉल करना है, इसमें लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों केबल यहाँ पर लगेगा, ये वाला केबल भाई है पावर सप्लाई का, और ये इधर लगेगा ये ग्राफिक कार्ड के लिए। तो हम लोगों ने दोस्तों केबल सारे कनेक्ट कर दिए हैं, अब बारी आती है पीसी को स्टार्ट करने की। तो यहाँ पर इसका स्टार्ट बटन ये रहा, और देखो आप लोग पीसी स्टार्ट हो रहा है इसका, हो चुका है भाइयों। अभी क्या करना है कि रिमूव वायरस करनी है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें लगानी पड़ेगी USB ड्राइव इंस्टॉल। यहाँ पर टूल में ये रही USB ड्राइव, लगा देते हैं इधर जल्दी से, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। हमें क्या करना है मुझे पता है, क्योंकि ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हमें भाइयों इंस्टॉल करना है वायरस स्कैनर को, और अभी दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद वायरस स्कैन करके पीसी को कर देंगे डिलीवर, और ये सबसे जरूरी काम है। और रिस्टार्ट कर देते हैं पीसी को, तो पीसी रिस्टार्ट हो रहा है आप के सामने है। रिमूव वायरस एक ही काम बचा है, रेडी टू बूट ये सारा हम लोगों ने कर दिया है। पार्ट तो इसमें लगाने नहीं है, तो प्राइस कोई देगा नहीं, तो पीसी भी बूट हो चुका है। यहाँ पर वायरस स्कैनर को हम लोग ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट स्कैनिंग करते हैं। तो भाइयों देखो कितनी सारी वायरस लेके बैठा होगा, इतनी सारी डस्ट तो थी इसके अंदर, लेकिन वायरस की बात करते हैं तो 288। क्लीन कर देते हैं फाइल को, कम्प्लीट योर कंप्यूटर इज प्रोटेक्टेड, चलो सही है, वायरस निकल चुका है। और यहाँ पर देखो आप लोग प्लेस टू डिलीवरी एरिया, यानी कि सारा काम हो चुका है। अभी हम कर देते हैं पीसी को शट डाउन, यहाँ पर शट डाउन कर देते हैं। और भाई सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, अब क्या करना है रिमूव करते हैं सभी को। A few minutes later. अभी क्या करेंगे, अभी बैक करेंगे और अपने पीसी को उठाएंगे, और जहाँ पे भाई हम लेकर आए थे वहाँ पर इसको ड्रॉप कर देंगे ताकि डिलीवर हो जाए।
ओके, इधर से ये डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ पर भाई हम लोग ओपन करते हैं मेल बॉक्स, और जो भाई हम लोगों को काम दिया गया था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या बारी आती है भाई वो पैसा कलेक्ट करने की। तो अभी हमारे पास $335 है, अभी $100 और ऐड हो जाएंगे और हमारा काम हो गया। और यहाँ पर भाई जिसने एक और मेल करा था उसका सीन क्या है कि उसे भाई अपने पीसी में कुछ ऐड कराना है। मेरे ख्याल से कहाँ गया रे भाई, अपग्रेड रिप्लेस ग्राफिक कार्ड रिप्लेस कराना है, बजट इसका इतना है, लेबर हमें इतना देगा, और इसको लगाना है भाई एनवीडिया GTX 970। GTX 970 भाई वो हमें पहले शॉप में देखना पड़ेगा, जिसकी शॉप में होगा तो हमारा काम हो जाएगा। 970 ये रहा, $265 का एड कार्ड कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारे पास नहीं होगा ये, क्योंकि हम लोगों ने नई नई शॉप स्टार्ट करी है। तो भाई वो इतना पैसा हमारा कट चुका है और हमें ये ऑर्डर मिलेगा कल। तो चलो भाई अभी हम चलते हैं घर, फिर कल ऑर्डर रिसीव करेंगे। साथ में दोस्तों अपना पीसी भी यहाँ पर रखा हुआ है जिसे कोई नहीं टच करेगा। और यहाँ पर भाई 5 तारीख को हमें रिसीव होगा, तो पहले एंड डे करते हैं और गो टू वर्क कर देते हैं। वो यानी कि अगले दिन हम लोग आ चुके हैं अपनी शॉप में और इतने सारे दोस्तों 3 पार्सल आए, लेकिन 3 पार्सल के अंदर है दोस्तों अपना GTX 970 जो कि कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। चलो अभी इसको उठाते हैं और लेके चलते हैं अंदर, और इसके अंदर भाई करते हैं भाई सेटअप। पीसी कैन बूट OS, रिप्लेस ग्राफिक कार्ड, इंस्टॉल GPU। ओके ओके, चलो ब्रोकन पार्ट पहले ट्राई कर लेते हैं हम लोग। चलो कर लिया, अभी ऑन करते हैं इसको जल्दी से यहाँ से। समझ लो कि भाई इसका ग्राफिक कार्ड खराब है, इसलिए इसे रिप्लेस कराना है। चलो करते हैं हम लोग इसको, पावर ऑफ कर देते हैं और बाकी की चीज़ों को रिमूव करते हैं। चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अभी ग्राफिक कार्ड की साइड में है और इसका पीसी भाई थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसमें ग्लास नहीं लगा है। तो चलो यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करते हैं, पहले इसके इस पैनल को रिमूव करते हैं यहाँ से स्क्रू। चलो रिमूव हो चुका है यहाँ पर दोस्तों ये जो ग्राफिक कार्ड है, रिमूव ग्राफिक कार्ड। ओके चलो ये रिमूव हो चुका है, अभी इसको हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ग्राफिक कार्ड ये ब्रोकन यानी कि खराब हो चुका था इसका, तो हम लोग ये इंस्टॉल करने वाले हैं इसके अंदर। चलो हो चुका है इंस्टॉल, अभी क्या करेंगे कि अभी ये काम पीसी कैन बूट, ओके वो कभी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बाकी की चीजें इंस्टॉल कर देते हैं, ये भाई सेल कर देंगे हम लोग $8 में पीसी पार्ट। चलो ये लगा देते हैं जल्दी से फटाफट, ये लग चुका है हमारा ग्राफिक कार्ड और अभी हमें बूट भी करना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं इसका पार्ट इंस्टॉल कर देते हैं हम लोग लास्ट वाला। ओके, और हम लोगों ने भाइयों इसका ग्राफिक कार्ड ऐड कर दिया है, अभी बारी आती है भाइयों इसको बूट करने की। जल्दी से इसके केबल कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीसी को। ओके भाई, सक्सेसफुल हमारा काम हो चुका है और हम लोगों ने पीसी को स्टार्ट कर दिया है ग्राफिक कार्ड लगा के। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हो चुका है, और यहाँ पर प्लेस टू एरिया यानी कि अभी इसको करो बंद, शट डाउन कर दो इसको, और सारे केबल रिमूव करो, रिमूव ऑल द केबल्स, बैग जाओ, पीसी को उठाओ और कुरियर कर दो। कर दिया, अभी भाई मेल में जाना है और हमें भाई अपने पैसे कलेक्ट करने हैं अभी के अभी। ओके, यहाँ पर जो भी था भाई कहाँ गया भाई अपना अपग्रेड टू 6GB RAM। ओके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भाई अभी हमें मिलने वाले हैं बहुत से पैसे, 525 मतलब 600, इतने सारे पैसे भाई साहब। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं बड़ी बड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।